आप सभी अभिभावकों से, माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया करके, चाहे कितने भी व्यस्त हों, कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों की तासीर, स्वभाव, बेसिकली अगर एक शब्द को तो तासीर देखिए, तासीर के अंदर उसका स्वभाव और अंदाज दोनों आ जाते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से बचपन से काउंट करते हुए चले आप, चाहे आप कितने व्यस्त हैं जैसे भी, तब जाके आप समझ पाएंगे कि बच्चे के अंदर चल कह रहा है और वो क्या आगे की स्टेप उठा सकता है। इस बात पर आप गौर कर लीजिए, उसके हिसाब से उसको क्या कहते हैं आप टैकल करिए, हैंडल करिए, जो भी आप बोलना चाहें वैसा व्यवहार करिए। आप अपनी तरफ से चाहे कितने अच्छा बोले, कितने अच्छा समझे, आप अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने एंगल से सोच रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, पार नहीं पड़ेगी। फिर वो बच्चा एडामेंट से हो जाता है, महाजिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, खिजलाट से भरा रहता है, तो फिर होगा क्या, वो कहते ना अब पछताए होत के जब चिड़िया चुगी खेत, आपके हाथ से वो निकल जाता है। यहाँ हाथ से निकलने का अर्थ केवल इतना ही है, फिर वो आपकी बातों को नहीं मानता, नहीं सुनता, फिर आप मेरे जैसों के पास या और किसी के पास भी जाते हैं कि बताओ जी क्या करे जी, बच्चा बहुत जिद्दी हो गया जी, बहुत खिजलाट में रहता है, चिड़चिड़ा हो गया, अनमना हो गया, इसका दिमाग कहीं और रहता है, कहीं इधर रहता है, इसमें रहता है, फलाना ठिकाना। तो पहले तो आप बच्चे की तासीर समझ के आज की तारीख में, और ये केवल एक छोटे बच्चे जो है वो उनकी भी तासीर उसी हिसाब से समझी शुरू से। मैं कहता हूँ बच्चा जब 3 साल का होता है तभी से उसकी स्वभाव को और तासीर को, उसके हर चीज़ को काउंट करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यों ज्यों बड़ा होता जाएगा यूं उसी हिसाब से उसके आप प्रेरक बनिए, उसको प्रेरणा देते चलिए। यूं नहीं ठीक है बच्चा बस पढ़ लेगा कर लेगा जी, हमें तो पढ़ाई से मतलब है, बाकी देखी जाएगी, बच्चा अपने आप कर लेगा, ऐसा मत करिए आप, बिल्कुल मत करिए। आपको जीवन बहुत लंबा, फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बच्चे शादीशुदा हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, अनमैरिड हैं, कुल मिला के नौजवान बच्चों का भी आपको देखना, शादी हो तब भी उनकी तासीर देखिए, उनके स्वभाव को तासीर, वही फिर तासीर में स्वभाव और अंदाज, तब उनसे बात करिए, डील करिए, वरना केवल केवल बहसबाजी, नुक्ताचीनी, फिर वो घर छोड़ के दूर जाने की चेष्टा करेंगे, जो भी अगर बहुत सारी वाद विवाद बनते हैं, फिर आपकी आत्मा कष्ट पाती, क्या मतलब बना। लेकिन हम बस खाली ममताओं कहते हैं, हमारे से ज्यादा कौन समझेगा बच्चों का, भाई कुछ नहीं समझते आप, जितना समझते हो उसको आपको टैकल करने नहीं आता, समझते तो आप ही हो, लेकिन टैकल करने के लिए जो तासीर को जो समझ के टैकल करता है, उनसे व्यवहार करता है, टैकल मतलब उनसे व्यवहार करता है, डीलिंग करता है उसी अंदाज से, तो वो व्यक्ति हमेशा समय के हिसाब से अपने आप को बदलता चलेगा, वो माँ बाप, वो बड़े बुजुर्ग समय के हिसाब से ढलते चलेंगे, बच्चों के हिसाब से और अपना बात को एडजस्ट करके चलेंगे, अन्यथा आप अपनी दीवारें खींच लेते हैं, वो अपनी दीवार खींच लेते, होने जाने कुछ भी नहीं। मेरे इस वीडियो को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, इसमें किंतु परंतु वो खाना नहीं है, और अगर आप किंतु परंतु करते हैं तो फिर स्वाद तो आप चख ही रहे हैं ना, बच्चे कौन से आपका कहना मान के राजी हो रहे हैं, कौन सा आपको मौके कोई कम बोलता तो क्या हुआ, मौके पर आपका अंगूठा दिखा देता है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अपने मन के रखता, फिर आपको चलो जी कोई बात है जी, बच्चे खुश हैं, हमें क्या करना, हमारी तो जिंदगी निकल गई जी, बच्चे खुश रहने चाहिए, कोई बात नहीं। ये जो शब्द है ना, ये केवल अंदर की टीस होती है, दिल से नहीं। जिसके बच्चे बड़े सही ढंग से आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़िया, वो कह रहे वाह कमाल है जी, हमारी तो कोई दिक्कत है ही ना उसको ना मेरे को, बच्चे भी कहेंगे आने तक, कहेंगे बस पापा सारे ठीक है जी, बस ये इस पॉइंट पे मेरे को नहीं समझ में आता, मम्मी सारी ठीक है, ये 2 पॉइंट तो क्या मतलब बना। बहू और 4 बात करेगी, फिर आपको जी बहू खराब नहीं, बेटा खराब नहीं, आप खराब नहीं, फिर क्या खराबी हो गई, कोई रोबोट मशीन थोड़ी, कार थोड़ी है जो खराब हो गया। इसीलिए ना मनोवैज्ञानिक ढंग से चलेंगे तब अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल काम।